गाजियाबाद में पुलिस ने 58 साल के एक बुजुर्ग को 3 दिन तक कस्टडी में रखा। जब उसके 2 फौजी बेटों ने सीएम से शिकायत की तो पुलिस ने छोड़ा। साथ में यह हिदायत भी दी कि बाहर जाने पर ना तो परिवार को कुछ बताएंगे ना ही किसी अन्य को। बुजुर्ग ने घर लौटकर बेटों से बताया कि उसे 3 दिनों तक पुलिस ने फट्टों से पीटा है। बुजुर्ग पीड़ित ने अपना वीडियो जारी कर इंसाफ की गुहार लगाई है। दरअसल बुजुर्ग को एक हत्याकांड में पूछताछ के बहाने पुलिस ने 9 नवंबर को थाने बुलाया था। पेंगा गांव के अनुपाल गिरी की 8 नवंबर की रात गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में पूछताछ के लिए रामवीर को थाने में बुलाया था। निवाड़ी थाने के पेंगा गांव निवासी रामवीर के बेटे नितिन पंवार भारतीय सेना में नायक हैं। वे सिक्किम के डोकलाम में तैनात हैं। वहीं दूसरे बेटे सुमित कुमार भी भारतीय सेना में अयोध्या में तैनात हैं। नितिन फिलहाल छुट्टी पर गांव आए हैं। फौजी नितिन के अनुसार पुलिस का फोन आने पर वह अपने पिता को लेकर निवाड़ी थाने पर गए। पुलिस ने कहा कि हम पूछताछ कर लेते हैं, शाम को आकर अपने पिता को ले जाना। नितिन का कहना है कि पुलिस ने उनके पिता को नहीं छोड़ा, पिता से मिलने भी नहीं दिया गया। कहा पुलिस ने खाने की टिफिन तक नहीं दी। नितिन ने बताया कि एक पुलिसकर्मी ने उन्हें ज्यादा बोलने पर एनकाउंटर करने तक की धमकी दे डाली। पिता को छुड़वाने के लिए नितिन ने शुक्रवार को एक पत्र मुख्यमंत्री को भेजा। इसके बाद गाजियाबाद पुलिस हरकत में आई। दोपहर 12 बजे रामवीर सिंह को छोड़ दिया गया। रामवीर सिंह ने दोनों हाथ दिखाते हुए बताया कि 3 दिन तक पुलिस ने उनकी पट्टे से पिटाई की। पुलिस उनसे एक मर्डर केस में पूछताछ कर रही थी, लेकिन उसमें उनका कोई रोल नहीं था। रामवीर ने बताया कि पुलिस ने यह कहकर छोड़ा है कि हमने जो किया है वो बाहर किसी को मत बताना। रामवीर ने एक वीडियो बयान जारी कर उन्हें इंसाफ दिलाए जाने की मांग की है।